من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أصلح لنا نيتنا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप सभी का इस्तकबाल है इस दौराए कुरान की क्लास में. हम 15वें पारे पे हैं और उसमें इंशाल्लाह सूरह इसरा की आया नंबर 85, वहां से इंशाल्लाह आज तफसीर और तर्जुमा करेंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. और ये लोग आपसे रूह की बाबत सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है, और अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरफ हमने उतारी है सलब कर ले, फिर आपको उसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हिमायती मैसर न आ सके सिवाय आपके रब की रहमत के, यकीनन आप पर उसका बड़ा ही फजल है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا توسر تمن بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear sisters, inshallah, आज हम तफसीर शुरू कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल की. आयत नंबर 84 से. आयत नंबर 85 जी, यहाँ पर लोग आपके रूह के मुताबिक पूछते हैं. हमने इसके पहले की जो आयतें की थी 78 ऑनवर्ड्स, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. 78, 79, 80 वगैरह सभी, जिसको हमने उतना वक्त नहीं दिया. हालांकि हम वो पहले तफसील से कर चुके हैं, पर पता नहीं जो बहनों ने लेट ज्वाइन किया होगा उन्हें वो चीजें नहीं मिली होगी. तो इंशाल्लाह अगर आगे हमें वक्त मिलेगा तो हम जरूर उसके उसको फिर से रिपीट करेंगे. जो तहज्जुद के बारे में थी ना, नमाजों के बारे में, तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम महमूद अता किया गया उसके बारे में, तो वो इंशाल्लाह अगर होगा फिर वक्त तो हम बयान करेंगे इंशाल्लाह. यहाँ पर वो लोग जो है रूह के बारे में पूछ रहे हैं. रूह के बारे में उन कहते हैं कि जब वो पूछ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कि रूह जो है वो मेरे परवरदिगार का हुक्म है और तुम्हें क्या है बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है. यानी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, हो सकता है तुम्हें ना इस वक्त समझ में नहीं आए वो चीज जो मैं बताऊं तुम्हें. तो अल्लाह कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है रूह के बारे में तुम्हें. और मुफस्सरीन ने लिखा है कि रूह जो है इंसान का जो है जो वजूद है वो जिस्म और जान दोनों दोनों से मिलकर बना है. और जिस्म के लिए तो जैसे वो क्या है उसका जो मादा है तकलीद मिट्टी है, तो उससे उसको जिस्म के गिजा पूरी मिल जाती है. और जो जान है, जो रूह है, उसकी गिजा जो है वो फिर
रूह अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से, अगर हम उसका अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो वो जो है रूह की गिजा है, और रूह अल्लाह की तरफ से अता की गई है। जिस्म के लिए सारी चीजें जो है एनाटॉमी में भी अगर देखेंगे कि किस तरह से इंसान बना है ना, उसके जिस्म के सारी ही चीजें जो है, जो डॉक्टर्स भी बनते हैं डाइसेक्शंस में, सारी ही चीजें उनको पता चलती हैं कि ये दिल है, ये लंग्स है, ये है, लीवर है सब, लेकिन रूह रूह कहीं नजर नहीं आती। रूह जो है नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। ये बस एक चीज जो रूह है अल्लाह की तरफ से, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त डाली जाती है, जब बच्चा 3 महीने का होने आता है उस वक्त रूह उसके बदन में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते के जरिए से भेजी जाती है। तो यहाँ पर एक जो है एक साहब जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, बहुत जईफी की में, तो उनसे पूछा गया कि ये मतलब इसका राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम जिस्म के लिए गिजा फ्राहम पहुंचाते हैं ना, वक्त पर खाना खाते हैं, उस जो भी चीजें जिस्म के लिए सही हैं हम उसका ख्याल रखते हैं, तो मैं हर निवाले पर बिस्मिल्लाह कहता हूँ कि जिस्म को जो है, जो मैं खाना खा रहा हूँ मुँह में डाल रहा हूँ, वो गिजा जिस्म को मिलती है, और बिस्मिल्लाह जो है वो जो अल्लाह का जिक्र है वो गिजा जो है रूह की है। तो इस तरह से जो भी अब तक मेरी सेहत है उनके हिसाब से वो बताते हैं। तो बेशक जो है, जो हम सुनते भी ना दिलों में क्या इत्मीनान किससे, अल्लाह के जिक्र से मिलता है, तो बेशक जो रूह की गिजा है वो अल्लाह का जिक्र है। तो यहाँ पर इसकी और ज्यादा तफसील तो नहीं दी गई है, बस यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जब उन्होंने पूछा ना कि रूह क्या चीज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और उन्होंने कुछ जवाब ना दिया, और फिर रावी कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने लगी है, तो एक जगह खड़ा रहा। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी, यस अलूना का, जो अभी पढ़ी वैसे अलूना का, यानी रूह बोली रूह में अमरी रब्बी, तो जवाब यही आया कि तुम्हें जो है रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है और तुम्हें बस थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और जब उस काबिल हो जाएंगे तो हो सकता है पता चले, अभी जैसे बहुत सारी चीजों का तो पता है, साइंस बहुत आगे बढ़ रही है ना, बहुत कुछ दिमाग में अपने कैसे कंप्यूटर है, सब जो कुछ प्रोसेसिंग होती है मेमोरी में जा रही है, इंशाल्लाह आगे देखिए क्या 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 चीजों का इल्म और हासिल होगा। आगे फरमाने कि हमारे मुकाबले में आपको ही ऐसा मददगार ना मिलेगा जो उसे वापस ला सके, जो कुछ हमने आपकी तरफ वही किया, अगर हम चाहें तो उसे ले जाएं, फिर हमारे मुकाबले में आप कोई ऐसा मददगार नहीं पाएंगे। मैंने वही के जो ये बतदरी जो उसका नजूल हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा करके, ये अल्लाह का जो है बहुत बड़ा फर्ज है लोगों पर, अगर एक साथ पूरा कुरान उतर जाता तो सोचो कि कोई सह भी पाता उसे, ये थोड़ा थोड़ा उतर रहा था लोगों के दिमाग में जाता, लोग याद कर लेते, तो ये बतदरीज जो उतर रहा था ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, यानी इसकी वजह से कुफारे मक्का ने समझौते की एक शक्ल उनको आप से पेश की कि अगर आप इन आयात की तिलावत छोड़ दें जिनमें हमारे माबूदों की तौहीन होती है तो हम आपके मती बन जाएंगे ना, हम आपकी इताअत करेंगे, और इस आयत में दरअसल वही इलाही की अहमियत मजकूर हुई है ना, इस वही इलाही की ही तो बरकत है कि दिन ब दिन दावत इस्लाम फैलती जा रही है, तो इस वही के जरिए आपको और सहाबा को सब्र और साबित कदमी मुयसर आ रही है। अगर हम ये नाजिल करदा वही में से कुछ हिस्सा आपको भुला दें तो आपको अल्लाह की मदद और नुसरत जो पहुंच रही है वो मुनकता हो सकती है, और इसी सूरत में जो है ये आपको तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि आप पर वही किस अंदाज में थोड़ी थोड़ी सी उतरती है, हालात के मुताबिक नाजिल हो रही है, जिससे इस्लाम की सरबुलंदी भी हो रही है। तो अल्लाह ताला का ये कहना है कि ये जो है हमारे मुकाबले में आप कोई ऐसा मददगार ना मिले जो उसे वापस ला सके, इल्ला ये कि आपका परवरदिगारी मेहरबानी फरमा दे, क्योंकि आप पर इसका बहुत बड़ा फर्ज है। बेशक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पे था,
कि वही थोड़ी थोड़ी करके बतदरीज उन पर नाजिल होती जा रही है। हाँ सफा पढ़े हम। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और कुल जिन्नात मिलकर इस कुरान की मिसल लाना चाहे तो इन सब से उसकी मिसल लाना नामुमकिन है, गो वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। हमने तो इस कुरान में लोगों के समझने के लिए हर तरह से मिसालें बयान कर दी है, मगर अक्सर लोग इनकार से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि हम आप पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी न कर दे या खुद आपके लिए ही कोई बाग हो खजूरों और अंगूरों के और उसके दरमियान आप बहुत सी नहरें जारी कर दिखाएं, या आप सामान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें जैसा कि आपका गुमान है, या आप खुद अल्लाह ताला को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा कर दें, या आपके अपने लिए कोई सोने का घर हो जाए, या आप आसमान पर चढ़ जाए और हम तो आपकी के चढ़ जाने का भी उस वक्त तक हरगिज नहीं यकीन करेंगे जब तक कि आप हम पर कोई किताब न उतार उतार लाए जिसे हम खुद पढ़ ले। आप जवाब दे दीजिए कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ। बेशक उन लोगों की मतलब यही बातें रहती थी कि ये मौजज़े दिखाए ना, अल्लाह तआला कह रहे हैं आयत 89 में कि हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया, यानी अल्लाह तआला की वहदानियत पर जोर, आखिरत और कयामत के वाक़े होने पर, जजा और सजा की माकूलियत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, मनगढ़ंत माबूदों की बेचारगी और जो है नाफरमान अकवाम जो साबिका के अंजाम, यानी सब कुछ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैराओं से पूरे दलायल पेश करके एक एक बात बता दी। और ये भी दलायल ऐसे हैं जिन्हें सब लोग समझ सकते हैं, और खारजी कायनात अपने अंदर की दुनिया भी देख सकते हैं। हर जगह नए और अछूते तर्ज के साथ हर बात पेश की गई है, और इतनी कसीर तादाद में है ये सब कि एक तालिबे हिदायत के लिए काफी है, मगर इन लोगों ने ऐसी जिद और हर धर्मी की राय तैयार कर ली है कि हर दलील से उल्टा ही असर लेते हैं। इस तरह उनके कुफर में इजाफा ही होता जाता है। और आगे वो क्या चाहते हैं कि बस कोई आप मौजजा बताइए। इस किस्म के मुतालिबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं कि चांद फटने का वाक्य उन्होंने अपनी आंखों के सामने हुआ था, फिर वाक्य इसरा जो मेराज का वाक्य जो बैतुल मुकद्दस के साथ पर वो जिन्होंने सवाल किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात उन्हें जवाब बताई, फिर भी लेकिन वो इस उस पर ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो जो कुछ उगाया, जमीन आसमान पहाड़ ये सारी चीजें, खेती बाड़ी, जो उन्हें जो कुछ फल मुयसर है, अनाज मुयसर है, इसको ही अगर वो देख लें तो वो गौर फिक्र वो कर सकते हैं, लेकिन उनके तो जो उनकी हठधर्मी है उन्हें ईमान नहीं लाना है तो वो नहीं लाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फरिश्ते के मुताबिक कहते हो कि मुझ पर नाजिल होता है, कम से कम हम उसे ही देख लें, अगर तुम हमारा भला ना कर सको तो तुम्हारा अपने ही घर सोने का या सुनहरा बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अपना घर बना लो सोने का तो हम मान जाएंगे, या तुम आसमान की तरफ चढ़ो जब उतरो तो तुम्हारे हाथ में किताब हो। ये वाकई नबी इस पर ईमान ले आओ ना, इस तरह से अगर हो तो हम ईमान लाए। लेकिन उनके जो मुतालिबात हैं कुफारे मक्का के सब ऊट पठान के किस्म की बातें हैं। आप सर से लोगों से कह दें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं खुदाई का इख्तियार है मेरे पास, मैं खुद कादिर मुतलक हूँ, ऐसे थोड़ी कहा था। अगर मैंने तुम्हारे सामने अपने खुदाई का दावा किया होता तो तुम मुझसे ऐसे मुतालिबात पेश करने में हक बजाने थे कि ये कर लो या ऐसा कर लो। मैं तो सिर्फ ये दावा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक इंसान,
البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول اور پیغمبر ضرور بنایا ہے. اگر تم نے میرا امتحان لینا ہے تو اس پیغام کو جانچو, میری صداقت کو پرکھو, اور میری سابقہ زندگی تمہارے سامنے ہے. مجھ میں جو عیب نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کرو. آخر تمہارے مطالبات کا میرے جو دعوے رسالت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد بھی انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ انسان, آپ جو ہے اللہ نے انسان کو کیسے رسول بنا کر بھیجا. یعنی ابھی اور کچھ نہیں کہنے کو, تو یہ بشریت کی بات, یعنی انبیاء رسول کے مخالفین کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا, کیونکہ یہ رسول ہماری طرح کا ہی انسان ہے, تو ہم کیسے اس پر ایمان لائیں؟ چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, شادی کی ہے, بچے ہیں, یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, وہ بھی تو انسان ہی تھے, بشری تھے, عزیر علیہ السلام بشری تھے, پھر کسی نے تو اپنے نبی کا خدا کا درجہ دے دیا, اور خدا کا کسی نے اس کو بیٹا ہی بنا لیا, کہ بس یہ کہ خدا ان میں حلول کر گیا. یعنی دونوں انتہا پسندوں کی ان کی باتیں ہیں. کسی کو تو بشریت سے بھی بڑھا دیا, ایک دم آ گیا, اور کسی کو خدا بنا دیا, اور کسی کو تو ابھی رسول ماننے کو تیار نہیں. ہاں پڑھیے بھائی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا. آپ کہتے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے, وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں, کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. یعنی دنیا میں انسان آباد ہیں, لہٰذا ان کے لیے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے. رسول کا کام اتنا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا پیغام پہنچائے یا اس پیغام کی تشریح کر دے, بلکہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام پر عمل کر کے دکھائے, اور امت کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرو. اگر یہ فرض کیجئے کہ فرشتہ رسول بن کر آتا تو آدمی کی شکل میں آتا, تو پھر تم کیسے پہچانتے کہ یہ فرشتہ ہے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا اور ان احکام پر عمل کر کے بھی دکھلاتا؟ تو لوگ یہ کہتے میں حق بجانب ہوتے ہیں نا, کہ یہ عملی نمونہ دکھانے والا تو فرشتہ تھا. اب اس میں کوئی بشری کوئی کمزوریاں پائی جاتی تھی, نہ اسے کوئی ضرورت کی پیش آتی, لہٰذا ہم ان فرشتے جیسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو فرشتہ تھا, اس لیے اس نے یہ سب کیا. ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا تھا؟ یعنی اس وقت بھی ان کے ہزار یہی شکایتیں ہوتی تھی کہ ہماری طرح کا انسان ہوتا تو ٹھیک تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے پہنچانے کے لیے کہا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. اس کے لیے جو ہے ابھی مجھے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں, صرف اللہ ہی گواہ ہے کہ میں نے ہر چیز تم تک صحیح طریقے سے پہنچا دیے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے, اور قیامت کے دن ہم انہیں
अंधे मुंह अंधे गूंगे और बहरे करके उठाएंगे, यानी उनके इस आमाल की वजह से, इस तरह से नबी का इनकार करने की वजह से उनके आमाल की जजा व सजा में जो है बताया जा रहा है कि किस तरह की होगी। यानी जिन लोगों ने दुनिया में सीधी राह के बजाय गलत रास्ता इख्तियार किए और जो सीधी राह के बजाय उल्टी राह चले, उन्हें वहां भी उल्टी चाल अल्लाह ताला चलाएगा। इस दुनिया में वो पाँव के बल चलते थे, कयामत के दिन उन्हें चेहरों के बल चलाकर पेश किया जाएगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अगर पाँव के बल चला सकता है तो चेहरों के बल भी चलाने पर कादिर है। ये बुखारी की हदीस है। इसी तरह जिन लोगों ने दुनिया में हक बात को सुनना भी गवारा ना किया होगा, वो वहां फिल वाकई बहरे बना दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने जुबान से हक बात कहने या उसकी शहादत देने से इनकार किया था, तो वहां पर वो गूंगे बना दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को देखने और उनमें गौर करने की जहमत ही गवारा ना की थी, वहां उन्हें जुर्म की पादाश में अंधा कर दिया जाएगा। फिर इस हाल में उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उन्हें ऐसा मुसलसल और दायमी अजाब होगा जिसमें ना कमी वाकई होगी और ना ही कोई वक्फा पड़ेगा। हम पढ़े सफर ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. और जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे जिसे वो गुमराह करता है तो आप अल्लाह ताला के सिवा उनको को उनका कोई सरपरस्त हरगिज नहीं पाएंगे, और हम कयामत के दिन उन्हें उनके चेहरों के बल अंधा गूंगा और बहरा उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी वो बूझने लगेगी तो उनके भड़कने को हम और ज्यादा कर देंगे। ये सब हमारी आयतों से कुफर करने और उस कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियां और रेजे रेजे हो जाएंगे फिर भी हम नई पैदाइश में उठा खड़े कर दिए जाएंगे? क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है वो उन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है? उसी ने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक व शुबा से खाली है, लेकिन जालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी उसके खर्च हो जाने के खौफ से उसको रोके रखते, और इंसान है ही तंग दिल। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो आयत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि जब हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी तो क्या असरनों पैदा करके उठाए जाएंगे? यही सवाल इससे पहले भी वो लोग कई बार कह चुके और कई बार उन्हें इस बात का जवाब दिया गया। लेकिन फिर यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर मुफस्सरीन लिख रहे हैं कि जिस तरह से एक जिस्म ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है, जब से वो पैदा होता है उस वक्त से उसका दिल हरकत कर रहा है और मरते दम तक करता रहता है, दिल धड़कता रहता है, इंसान को ना पता ही नहीं चलता वो जी रहा है। जब उसमें कुछ खराबी हो जाती है जब पता चलता है, एहसास होता है, और एक लम्हा भी वो दिल की हरकत जो है रुकती नहीं है। जब वक्फा पड़ेगा तो फिर मौत ही वाकई हो जाएगी। इसी तरह उसके फेफड़े भी काम करते हैं, मैदा जिगर गुर्दे सब अपना अपना काम करते रहते हैं। और वो गिजा खाता है तो अस्फुट उससे खून बनाने वाली मशीन उसके अंदर नसब है वो खून में तब्दील करती है, और जो फुजला बचता है तो तबीयत खुद उसे मजबूर करती कि उसे निकाल दे, और यही खून उसकी जिंदगी का सहारा, फिर उसे गिजा के मलबूबों से मादे के अंदर दूध भी बनता है। फिर इंसान की तबीयत, इसके देखने का निजाम, इसके सुनने, उसकी नींद, और नींद में इंसान के जो जो जरात की जगह नए जरात पैदा होने का निजाम अल्लाह ताला ने ऐसे हैरत कुन तरीके पे फरमाया है, इंसान जो है कभी गौर करना गवारा ही नहीं करता इस तरह। और फिर मुस्तकबिल में जो भी हादसात पेश आते हैं, वो ऐसी बात कहने वाले को दीवाना कहना शुरू कर देते हैं जो हकीकत का पता देते हैं ये बात सच्ची है,
तो उसको दीवाना कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई शख्स ये बात कह देता कि एक वक्त आने वाला है जब एक इंसान दुनिया के एक किनारे पर होगा और दूसरा दूसरे किनारे पर, तो आपस में बातचीत करेंगे, तो यकीन ऐसे शख्स को दीवाना कह दिया जाता है। अगर वो आज इस बात पर गौर करें जो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह से देखिए हम आ जा सकते हैं, कितनी दूर कितने दूर दूर के फासले कैसे घंटों में तय हो जाते हैं। और आज कोई ये कहे कि हम इस तरह से अल्लाह ताला यहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में किसी से, किस तरह से आसानी से बात हो रही है, उस वक्त अगर बात कही जाती तो कोई यकीन करता? हंसते वो लोग ना, कैसे कैसे हो सकता है एक बंदा यहाँ बैठा है, जैसे वो बैठे हैं मिस्र में, तो कोई कहेगा कि मक्का में बैठे हो मिस्र वाले से बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठे देख भी रहे हैं, तो ये तो कोई नहीं यकीन करता। लेकिन बेशक अल्लाह जो चाहे कर सकता है, और अल्लाह ने उनको बार बार अल्लाह की जो भी अल्लाह ने जिस चीज की तकलीफ की है उसकी उन्हें मिसालें दी, लेकिन वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर कहते हैं कि ये कैसे जिंदा करेंगे, रेजे रेजे जब हड्डियां होंगी तो कैसे पैदा करेंगे, पहली बार जैसे पैदा किया उसी तरह से वो क्यों नहीं कर सकता पैदा? आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वो इस बात पर कादिर है कि इन जैसे फिर से पैदा कर दे, उसने उनके लिए एक मुद्दत मुकरर कर रखी है, यानी दोबारा जिंदगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि हर चीज का मौसम होता है ना, कि बीज डालने के बाद जैसे फसल आती है कि अभी इस चीज का मौसम है, इसी तरह से इंसानों के उगने का वक्त या मौसम जो है वो नुस्खे सूर सानी है, जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो तुम सब एक तबई अमल के तहत जमीन में से दोबारा उगाओगे, जैसे कि बारिश से जैसे ये पौधे उगाते हैं ना, इस तरह से अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो है एक फिक्स टाइम है जिसमें कि तुम सब दोबारा पैदा किए जाओगे। और आप उनसे कही कि अगर मेरे परवरदिगार के रहमत के खजानों के मालिक तुम होते तो उनके खर्च हो जाने के अंदेशे से सब कुछ अपने ही पास रहने देते, वाकई इंसान क्या है बहुत तंगदिल है। बेशक कुफ्फारे मक्का की तंग नजरी और इंसान की फितरत, ऐसे सरदार जो आपके मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गए थे, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो आपको झूठा समझते थे, और ये भी नहीं कि उन्हें दावत दीन के दलाइल की समझ नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि अगर वो इस्लाम कबूल करते तो उनकी सरदारियां चौधराहटें जो है वो खत्म हो जाती, और इस तरह से उनको क्या है पैगम्बर इस्लाम के ताबे रहना पड़ता, और इस्लाम फैल जाता तो उन्हें काबे की तौलियत की वजह से भी अरब भर में जो इज्जत थी वो भी नहीं मिलती, छिन जाती थी। लिहाजा उनकी इंतहाई कोशिश ये होती थी कि किसी तरह इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए। और हकीकतन जो है ना, इंसान बकरी वाक्य वो चाहता है कि कोई दूसरा उसके मुकाबले पे सरी ना उठाए, और इसी बात को वाजे करते अल्लाह ने फरमाया कि अगर उनके पास जमीन भर के खजाने भी हों तो उनका ये हाल है कि वो किसी को फूटी कौड़ी ना दे, वो बात है कि वो किसी वक्त उनके मुकाबले पर आ जाए। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हर तरह के खजाने उसके पास हैं, और जिस किसी पर जिस तरह चाहता है फजल करता है। बेशक पढ़िए सफा। ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. और तहकीक हमने मूसा को 9 मोजज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए। तू खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो उनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ए मूसा मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। मूसा ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका है कि आसमान और जमीन के परवरदिगार ही ने ये मोजज़े दिखाने समझाने को नाजिल फरमाए हैं। ए फिरौन मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन बर्बाद और हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें जमीन से ही उखेड़ दे तो हमने खुद उसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। उसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि उस सरजमीन पर तुम रहो सहो। हाँ जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम सबको समेट लपेट कर ले आएंगे।
यहाँ पर आयत नंबर 101 में मूसा अलैहि सलाम की जो यहाँ पर लिखा है कि वाज़े आयात दी थी, तो ये क्या है, मौजज़ात जो थे ये 9 वाज़े आयात मौजज़े कुरान मजीद में इनका जिक्र है जो हम पढ़ चुके हैं, वो ये है कि अस्साए मूसा जो अस्सा था उनका, फिर यद बैदा, और फिर भरी मजलिस में जो जादूगरों की शिकस्त हुई ना, तो और सारे मुल्क में कहत वाक्य हुआ, और एक के बाद दिगरे तूफान, फिर टड्डी दल, जुआ का अजाब, मेंढकों का, हर चीज में मेंढक नजर आ रही थी, और खून की बलाओं का नाजिल होना, यानी जब पानी लेने लेते तो उसमें खून आ जाता, जब पानी ग्लास में उठाते पीने के लिए तो खून, ये ऐसे वाजे मौजजात थे जो मूसा अलैहि सलाम की नबुवत पर वाजे दलायल थे, और उनके कल्बी इत्मीनान के लिए भी काफी थे, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। इसकी वजह भी वही है जो हम पढ़ चुके हैं ना, जिस तरह से कुरैश का भी यही हाल था कि उनकी तो सरदारियां चली जाती, वो तो बादशाह नहीं थे, लेकिन फिरौन तो खुद बादशाह था, उसका तो फिर बादशाह ही चली जाती। कुछ मौजजा तो वो देख चुके थे मगर ईमान नहीं लाए थे। यहाँ भी यही बताना मकसूद है कि ये जितने भी मौजजे देख ले, लेकिन फिरौनियों की तरह ईमान लाने की तरफ कभी नहीं आएंगे। आगे फिरौन की नजरों में मूसा अलैहि सलाम की जो सहरजदगी या दीवानगी ये थी कि आपने उससे बरमला बनी इसराइल को आजादी और उन्हें अपने हमरा भेजने का मुतालबा कर दिया। मूसा अलैहि सलाम तो एक ये नहीं देखा कि भरी मजलिस है, बादशाह बादशाह के दरबार में, और इतने बड़े बादशाह से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कहा कि बनी इसराइल को आजादी का मुतालबा कर दिया, और सिर्फ यही नहीं कि उनको आजाद करके छोड़ दो बल्कि उन्हें अपने हमराह भेजने का मुतालबा किया, क्योंकि वो खुद को ऐसा शहंशाह समझता था फिरौन कि अपनी तमाम रियाया के सियासत का वो खुद ही मालिक है, और अजराए तकबर मूसा अलैहि सलाम के दावे नबुवत और उस मुतालबे को वो दीवानगी समझता था, दीवानगी पर महमूल करता था। और बाज लोगों ने यहाँ जैसे मशहूर से साहिर लिया है मुराद कि जादूगर, जैसा कि फिरौन अपनी रियाया को यही यकीन दिलाना चाहता था, लेकिन मूसा अलैहि सलाम कहते हैं कि ए फिरौन, मैं तो ये समझता हूँ कि तू हलाक होके रहेगा, यानी मूसा अलैहि सलाम ने इतने धड़ल्ले से जवाब दिया, बात यूँ नहीं है जो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं मानता, बल्कि ये है कि तुम्हारी तबाही के दिन करीब आ गए हैं और तुम तबाह होके रहोगे, तुम जो मौजजा देख कर भी ईमान नहीं ला रहे, तो तुम्हारे जादूगर तो हकीकत को समझकर ईमान ला चुके, फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि जादू की शोबदा बाजियों से ना किसी मुल्क में कभी कहत पड़ा ना पड़ सकता है, पूरी कौम पर तरह तरह के अजाब लाना जादूगरों के बिसात से बाहर है, ऐसे काम सिर्फ वो हस्ती कर सकती है जो खातिर मुतलक है और मुख्तार कुल, अगर तुम ये सब कुछ देख कर इस हस्ती पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें अंजाम की फिक्र करना चाहिए। और फरमाते हैं उन्होंने, फिरौन ने क्या चाहा कि बनी इसराइल को इस मुल्क से ही उखाड़ फेंके, तो अल्लाह ताला ने क्या तदबीर की कि उसके हमराह थे जो सबको, अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ जो लोग थे ना साथी, उन सबको भी गर्क कर दिया, तो फिरौन जो है बनी इसराइल की वो पूरी तैयारी करता है कि इन लोगों को तो क्या करना है, इन लोगों को खत्म करना है, उखाड़ के फेंकना है जड़ से, मतलब पूरा तबाह कर देना है बनी इसराइल को। उसने मूसा अलैहि सलाम पर, जो लोग ईमान लाने लगे थे ना उन पर बहुत सारी सजाएं भी नाफिज करना शुरू कर दी उनके जुर्म की पैदाइश में, कि तुम कैसे ईमान लाए, तरह तरह की सख्तियां शुरू कर दी, फिर सजा को नए सिरे से नाफिज कर दिया जो पहले इसके बाप ने नाफिज की थी, यानी बनी इसराइल के यहाँ जब पैदा होने वाला लड़का, जब मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे ना उस वक्त की बात है ये, तो उस वक्त ये जो फिरौन तो क्या है, वो बादशाहों का लकब है, जो भी बादशाह बनता नेक्स्ट उसको फिरौन कहा जाता है, जैसे हम यहाँ बादशाह कहते हैं, तो वो जो था उसका बाप, उसका नाम यहाँ पे रामीस दिया है, कि उसने ये सजा ये की थी कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा ताकि हुकूमत पर आंच ना आए। अभी उसका बेटा जो है, इसका नाम यहाँ पर मिन फतह दिया है, इसने ये सजा इसलिए जारी की कि बनी इसराइल की इस तरह नस्ल कशी होके
से उनका खात्मा ही हो जाएगा और उनकी औरतों को लौंडियां बना लेंगे और फिरौन और फिरौनियों के लिए ऐसे हालात अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए कि वो बनी इसराइल का ताल्लुक ताकुब करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके निकले और तो ये भी तेजी से कि उनके पीछे हो लिया, पूरी अपने जो फिरौन के जो साथी थे सब उसके साथ में थे और वो बनी इसराइल के ताकुब में जब निकले तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, जो समंदर था मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, जो बनी इसराइल भी डर गए थे कि अब क्या होगा हमारा अंजाम, तो उस वक्त उस समंदर दो हिस्सों में बट गया और जो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वहां से गुजर गए और जो फिरौन अपनी कौम के साथ तेजी से आ रहा था वो अपनी पूरी कौम के साथ गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने इस तरह से उसे गर्क कर दिया। और आगे की आयत में अल्लाह ने बताया इसके बाद उन्हें बनी इसराइल से कहा कि सरजमीन में आबाद हो जाओ, यानी जब फिरौन गर्क हो गया तो जहाँ पर वो बादशाह कर रहा था मिस्र में पूरी जगह खाली हो गई ना इन लोगों के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जाओ अब ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम बसो इसमें जाकर। अल्लाह ताला ने कहा कि इस सरजमीन को तुम आबाद करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि बनी इसराइल को लेकर शाम का इलाका फतह करें और इसमें आबाद हों, और कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ। ताहम इस आयत से मालूम होता है कि फिरौन और फिरौनियों की तबाही के बाद बनी इसराइल के कुछ लोग मिस्र के इलाके पर भी काबिज हो गए थे। और इस मकाम पर इस वाकये को मुख्तसरन बयान करने का मकसद ये है कि कुफारे मक्का भी मुसलमानों पर ऐसे ही सख्तियां कर रहे थे जैसे आले फिरौन बनी इसराइल पर करते थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ ये कि आले फिरौन तो तबाह हो गए और बनी इसराइल मुल्क पर काबिज हो गए थे। और अब चूंकि इन लोगों ने भी अपने इज्जत जाह की खातिर इस्लाम का नाम निशान मिटा देने का तहिया कर रखा था, तो इनका वही हशर होने वाला है जो आले फिरौन का हुआ था। यहाँ पर देखिए जो भी सूरे नाजिल हो रहे हैं, जो भी आयतें नाजिल हो रही हैं, उसका ताल्लुक किस तरह से कुरैश मक्का से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये तो सजा दुनिया में मिलेगी और आखिरत में भी ऐसे लोग हमारे अजाब से बचकर नहीं जा सकते बेशक। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम सब उनको इकट्ठे करके अपने हुजूर हाजिर करेंगे और उनके करतूतों की उन्हें पूरी पूरी सजा देंगे। पढ़े सकते وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا और हमने कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और हक के साथ ही वो नाजिल हुआ है और हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और हमने उस कुरान मजीद बिल्कुल को जुदा जुदा करके नाजिल किया है ताकि आप लोगों के सामने उसे ठहर ठहर कर पढ़े और हमने उसे नाजिल किया है बतदरीज नाजिल करना। यहाँ पर जिन मकासद की खातिर हमने कुरान जिस हक को सदाकत के साथ नाजिल किया था ये रसूल सलम के दिल तक पहुंच गया, उसमें किसी तरह की कमी बेशी नहीं हुई, ना इस राह में कहीं बातिल के आने साजिश हुई, ना ही इसमें से कुछ कलाम नाजिल होने से रह गया। जो कुछ आप सलेसन पर नाजिल हुआ वही कुछ था जो हमने नाजिल किया था। अब रसूल का काम यह है कि जो कुछ नाजिल हुआ है उसे लोगों तक पहुंचा दे, अल्लाह के फरमाबरदारों के लिए इस कलाम में जो बशारतें हैं उनसे मुतल्ला करें और सरकशों के लिए जो अजाब है वो भी उनको बता दे। और कुरान को बतदरीज नाजिल करने के जो फायदे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम एक बार भी नाजिल हो जाता तो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसे तसनीफ कर जो किया गया है और जैसे हालात होते हैं उनके मुताबिक लोगों को सुनाना रहता, तो अल्लाह ताला एक साथ पूरा अगर नाजिल करता तो किस तरह ये बात हो पाती, किस तरह से वो सुना पाते। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि कुरान को मौका ब मौका बतदरीज इसलिए उतारा कि इस तरह से लोगों को उनके हिफ्ज करने में आसानी हो, हर एक को मालूम हो जाए कि फला आयत किस मौके पर नाजिल हुई थी और उसका सही मफहूम क्या है, नीज ये कि लोगों को इसके अवामिल और जो नहीं नवाही जो है उसका पता चले, उस पर अमल करने के लिए आसानी हो। एकदम सब अगर नाजिल होता इतना बड़ा कुरान तो सोचिए कि क्या अमल करना आसान होता, ये सब लोग नहीं कर पाते। इस तरह से जब कुरान नाजिल होता है तो मोमिनों का ईमान भी ज्यादा होता रहता है और पुख्ता तर बनता जाता है, इनमें मसायब को बर्दाश्त करने की कुव्वत और इस्तेक्लाल पैदा होता है। और ये सब फवायद
इसी सूरत में हासिल हो सकते थे कि कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो। हाँ सफा पढ़े बेटा। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. कह दीजिए तुम उस पर ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें उससे पहले इल्म दिया गया है उनके पास तो जब भी उसकी तिलावत की जाती है तो वो थोड़ियों के बल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला बिला शुबा पूरा होकर रहने वाला ही है। वो अपनी थोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं और ये कुरान उनकी आजजी और खुशू और खुजू और बढ़ा देता है। यहाँ पर आयत नंबर 107 में सजदा है, तो आप लोग सजदा कर लीजिए जो कर सकते हैं, जो बहनें नहीं कर सकती हैं ये फर्ज नहीं है, बाद में भी आप कर सकते हैं जो करना चाहें। सजदा वजह लिल्लज़ी खलक़हू वशक्क़ समहू वबसरहू बिहौलिही वक़ुव्वतिही वतबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। आप फरमा रहे हैं कि आप उनसे कहिए तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, इससे पहले जिन लोगों को इल्म दिया गया जब उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया जाता तो थोड़ियों के बल सिरते में गिर पड़ते हैं। यानी ऐ कुरैश मक्का, तुम कुरान को मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह तस्लीम करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साबिका उम्मतों में से भी जो लोग अहले इल्म और मुनसिफ मिजाज हैं वो कुरान के अंदाजे बयान से ही ये समझ जाते हैं कि वाकई कलाम इलाही है, क्योंकि इसमें साबिका आसमानी किताबों की तर्ज बयान से बहुत हद तक मुमासिलत है। लिहाजा इसकी आयत सुनते हैं तो इन पर रिक्कत तारी हो जाती है, सजदे में गिर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है और पुकार उठते हैं कि तो वही नबी है जिसके मुतालिक तौरात और इंजील में बशारतें मजकूर हैं, और ये नबी अल्लाह का वही वादा है जो अब पूरा होके रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ पढ़े सब। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी तुम पुकारो सारे अच्छे नाम उसी के हैं। न तो तू अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज से पढ़ और न बिल्कुल पोशीदा, बल्कि उसके दरमियान का रास्ता तलाश कर ले। और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो न औलाद रखता है न अपनी बादशाहत में किसी को शरीक साजी रखता है और न वो कमजोर है कि उसे किसी हिमायती की जरूरत हो और तू उसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रहे। बेशक यहाँ पर रहमान जो है अल्लाह का जाती नाम है। कुरैश को पता नहीं क्यों रहमान के नाम से बहुत चिढ़ थी, अल्लाह के बाद रहमान भी अल्लाह तआला का जो जाती नाम है। यहाँ पर जिस तरह अल्लाह का नाम या इसकी सिफत, जो यही वजह है कि किसी मखलूक का जिस तरह अल्लाह का नाम या उसकी सिफत नहीं हो सकती, इसी तरह रहमान भी किसी मखलूक का नाम या सिफत नहीं होती। लेकिन अल्लाह का ये नाम जो है अरब में जो है बिल्कुल भी राइज नहीं था, वो लोगों ने ये नाम सुना ही नहीं था और इस नाम से उन्हें चिढ़ थी और अल्लाह पर इस नाम का इतलाक करने से भिदकते थे। और जब आपकी जुबान से नाम सुनते तो कहते कि हमें तो अल्लाह का शरीक बनाने से मना करते हो, जबकि तुमने खुद भी अल्लाह के साथ रहमान को भी इला बना रखा है। इसी एतराज का इसमें जवाब दिया गया है कि अल्लाह और रहमान दो इला नहीं बल्कि एक ही जात के दो नाम हैं, तुम जिस नाम से चाहे पुकार सकते हो, बल्कि अल्लाह के तो और भी बहुत से सिफाती नाम हैं, तुम उनसे उन्हें अल्लाह को पुकार सकते हो। सही अहदीस की रूह से ये 99 नाम हैं अल्लाह के सिफाती नाम। अजान हो जाने दीजिए फिर पढ़ना।
آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 110 میں، اور اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھے نہ پست آواز سے. سیدنا ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافروں سے چھپے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھے تھے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے. جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن صاحب قرآن اور قرآن لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں جو ہے قرآن بلند آواز سے مت پڑھو، مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی آہستہ سے پڑھو کہ آپ کے صحابہ بھی سن نہ سکیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور آگے کی آیت میں ہے کہ ہر طرح کی تعریف جو ہے اللہ کو سزاوار ہے جس نے کسی کو بیٹا بنایا نہ بادشاہ ہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے. یعنی مشرکین کا جو بنیادی عقیدہ کی تردید کی گئی ہے اس میں، کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اپنا انتظام میں سلطنت چلانے کے لیے امیر وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کو بھی اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اور ہماری یہ دیویاں دیوتا جو ہے یہ سب اس انتظام کے مختلف شعبے سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی گمراہی جس نے بے شمار قسموں کے شرک کو جنم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بےخودہ عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ اسے اس وقت کسی شریک کی حاجت ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگی کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے جو ناتوانی میں اس کا مددگار ثابت ہو. اسے تقریر کے کائنات کے وقت بھی کسی کو مددگار بنانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، نہ ہی اس کائنات کا انتظام چلانے کے لیے ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسی ضرورت آئندہ کبھی پیش آ سکتی ہے. وہ ہر ایک کی فریاد پکار براہ راست سنتا ہے، ان کا جواب دے دینا اور شرف قبولیت بخشتا ہے. اسے درمیانی واسطوں کی قطن ضرورت نہیں. اس کے پاس ہر چیز کے لاتعداد اور غیر محدود خزانے ہیں جن سے وہ ہر وقت اپنے مخلوق کو نوازتا ہے، اور جو کچھ بھی اسے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، بشرطیے کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے. گویا اس آیت میں اہل کتاب مشرکین مکہ کے موجودہ دور کے مشرکوں سب کا رد موجود ہے، اور جس معبود میں مندرجہ بالا صفات پائی جائیں وہ معبود حقیقی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر طرح کی تعریف اسی ذات کو لائق ہے. آپ اس کی تعریف کیا کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے. آپ کی تعریف کیا کیجیے اور بڑائی بھی بیان کیا کیجیے. اس سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا جو ہے سبحان العزیز سے ہوئی، اور تسبیح سے مراد اللہ کی تمام عیوب اور نقائص یعنی صفات سلبیہ سے تزیح بیان کرنا ہے. پھر اس سورہ کا خاتمہ بھی اس بیان پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد شرکا اور حمایتوں کی کسی طرح کی مدد کا محتاج نہیں ہے. اور یہ فصاحت و بلاغت کی انتہائی کمال کی دلیل ہوتی ہے کہ مضمون کو جس عنوان سے شروع کیا جائے اور درمیان میں اس کے جملے تفصیلات بیان کرنے کے بعد اس کا خاتمہ بھی اسی بیان پر کیا جائے جس سے اس کی ابتدا کی گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ. یہاں پر ہماری جو سورہ بنی اسرائیل ہے وہ ختم ہوئی. ایک منٹ، اور یہاں پر جو آخری آیت ہے اس میں شروع ہو رہی ہے وہ قل الحمد للہ الذی، یعنی کہو الحمد للہ، قل الحمد للہ، اللہ کی حمد کا جو کہنے کا جو حکم ہے. اس کے بعد جو سورہ شروع ہو رہا ہے سورت الکہف، وہ اسی لفظ سے شروع ہو رہا ہے الحمد للہ الذی. انشاءاللہ ہمارا سورہ کہف شروع ہو رہا ہے آج، جمعہ کا دن ہے حالانکہ گزر چکا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اس کی سورہ کہف کی فضیلت. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا.
اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی مکے سے لے کر اس کی جائے قیام تک, اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی اتنے دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے تبرانی نے روایت کیا ہے. اور ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں روایت ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے. اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے. سورہ کہف جو ہے مصحف میں 18 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 69 نمبر کی سورت ہے, اور یہ بھی مکی سورہ ہے, اور اس میں کل آیتیں 110 ہیں اور رکوع 12. اس کا نزول جو ہے مکے کی زندگی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے, یعنی تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس وقت نازل ہوئی ہے. اور جو ہے اس کے مضمون سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا اور ابھی ہجرت حبشہ واقع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں. اور یہ سورہ جو ہے مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. انہیں تو علم نہیں تھا ماضی میں جو حالات گزر چکے تھے, لیکن بس انہیں جھٹلانے کی خاطر کہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ وہ اہل کتاب تھے ان کو پتا ہوگا, تو پھر ان سے پوچھتے تھے کہ کس طرح سے کوئی بات ان سے پوچھیں تاکہ وہ بتا نہ سکیں. تو اس وقت انہوں نے اصحاب کہف کون تھے, قصے خضر کی حقیقت کیا ہے, ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے, تو یہ تینوں قصے جو ہے عیسائی ہیں یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے. حجاز میں تو ان کا کوئی چرچا ہی نہیں تھا, تو اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہے یا نہیں, یا کوئی غیبی ذریعہ ان کے پاس ہے علم کا. مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا, بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اسی صورت حال پر چسپاں بھی کر دیا جس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان پیش تھی. شروع کریں صفحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تمام تعریف ہے اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے
در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو. یہ تہمت بڑی بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں. براہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا. گھوڑا بھدکنے لگا. اس نے اوپر جو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کی ہوئے تھا. صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, یہ سکینہ نور نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی. یہ ترمذی کی حدیث ہے, اور باقی ہم اس کی فضیلت کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے مطالب صاف صاف بیان کرتی ہے, جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, ذرا بھی سی بھی کوئی پیچیدگی یا الجھاؤ نہیں ہے, اور اس یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام دیتی ہے. ایک تو اس میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے, دوسرے یہ کہ یہ کتاب سابقہ کتب یعنی تورات انجیل وغیرہ یہ کہ صرف صحیح اور منزل من اللہ مضامین کی تصدیق کرتی ہے, اور کہیں تضاد ہوگا تو وہ اہل کتاب کی تحریف لفظی یا معنوی کی وجہ سے ہوگا, پھر ان کے اپنی طرف سے اضافہ ہوگا. اور یہاں پر یہ کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں, یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. یعنی اس کتاب کا بھی اور اسی طرح جملے آسمانی کتابوں کی تعلیم کا لبے لباب یہی ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے. اس دن تمام لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے. لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہی کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں, اور جو اللہ کے فرما بردار بن کر رہے انہیں جنت اور دائمی خوشیوں کی بشارت بھی دینی چاہیے, دیتی ہے یہ کتاب. اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا, یعنی اللہ کی اولاد قرار دینے والے جو یہ فرقے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ہونے کو اپنے عقیدے کا لازمی جز قرار دیا. یعنی یہ ہے ایک دم ان کا عقیدہ یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے. مشرکین مکہ بھی جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے کئی بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں, جیسے لات عزہ اور منات وغیرہ, اور یہود بھی جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. گویا قرآن کے نزول کا مقصد عام لوگوں کو ڈرانا تو ہے ہی, اور بالخصوص ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. اور اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو وہ منہ سے نکالتے ہیں, بہت بری بات ہے جو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا یہ, کیونکہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی بڑی گستاخی ہے. یہ ایسی بات ہے جس کو جیسے آپ نے بہت بری گالی دے دی. انہامی کتابوں کی سچی تعلیم میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی اس کا سراغ نہیں مل سکتا. اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کے بزرگوں اور آباؤ اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہہ دی اور بلا تحقیق کہہ دی. بعد میں آنے والی نسلوں میں یہی بس جھوٹ آگے بڑھتا گیا اور ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو گئی. تو یہ بہت بہت بری بات ہے, اور بہت بڑا بہتان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. ہم پڑھیں سفر. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے, اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں.
जी यहाँ पर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप शायद उन काफिरों के पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे, यानी जिन हालात में सूरत नाजिल हुई उन्हीं हालात का जो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, कुफारे मक्का अपनी सारी कुव्वतें इस्लाम को मिटाने के लिए सर्व कर रहे थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई आरजू ये थी कि वो सरदारान कुरैश जो है वो बस ईमान ले आए, बास को अल्लाह ताला ईमान लाने की तौफीक अता फरमाते, जिससे आपके सामने बिल्कुल सुस्त दो फायदे थे कि ये लोग अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएं और जो पहम नाफरमानियों की सूरत में यकीनन वाकई हो जाती हैं, और दूसरे ये कि इस तरह इस्लाम को तकवीत मिलेगी अगर वो ईमान ले आएंगे और मुसलमानों पर जो सख्तियां हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। दिन रात आपको यही फिक्र लाहक रहती थी, अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि इन लोगों की हिदायत की फिक्र मत करो, आप अपने आप को हलकान करना छोड़ दो, अल्लाह खुद अपने दीन का मुहाफिज है और वो खुद इन हालात पर जो है बड़ी नजर रखे हुए वही कुछ होकर रहेगा जो वो चाहेगा, आप बस तबलीग आपका काम है वो करते रहिए जिसकी आपको हिदायत दी जाती है। और आगे फरमा रहे अल्लाह ताला कि जो कुछ जमीन पर है एक चटियल मैदान बना देने वाले अल्लाह सुब्हान व तआला, बिल्कुल ये दुनिया और उसकी बाहर में तो मैं एक वक्ती आर्जी और फानी चीज है, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब इस जमीन में न लहलाते खेत होंगे और ना ही महकते हुए बाग, न माल मवेशी, बस एक चट्टियल मैदान रह जाएगी, किसी की मिल्कियत में कोई भी चीज नहीं होगी, माल औलाद गुलाम मवेशी इज्जो जाह के सब वसायल नापैद हो जाएंगे, और उस वक्त अगर कोई चीज कारामत होगी तो इंसान के अच्छे आमाल होंगे जो उसके साथ जाएंगे, लिहाजा इंसान को अपनी तवज्जो फानी चीजों की बजाय बाकी रहने वाली चीज पर ही सर्व करनी चाहिए। हाँ पढ़े बेटे। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. क्या तू अपने ख्याल में गार और रकीम वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमें हमारे काम में रहनुमाई अता कर। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक उसी गार में पर्दे डाल दिए, फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर ले कि दोनों ग्रोह में उस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसने याद ज्यादा रखा है। यहाँ से जो अस्हाबुल कहफ का किस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है, कुरैश मक्का जो के जो 3 तारीख के सवाल थे, कुफारे मक्का के इन सवाल के जवाबात का आगाज हो रहा है यहाँ से, उन्होंने अहले किताब से पूछ कर और उनके मशवरे से आपसे पूछे थे, कुफारे मक्का दरअसल ये चाहते थे कि वो आपसे जो है गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में ऐसे सवाल करें ना जो मुशरिकी ने मक्का और आम अहले अरब को इल्म ही नहीं हो, चुनांचे उन्होंने इसी मामले में अहले किताब के आलिमों से मदद ली और मकसद ये था कि आप उनका जवाब नहीं दे सकें और फिर इस तरह से उनको झूठा साबित कर दें, लेकिन जो उन्होंने जो नबुवत का उनका इम्तिहान लेना चाहा तो सबसे पहले ये सवाल किया असहाबे कहफ कौन थे, और फिर किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर अलैहिस्सलाम का, और तीसरे नंबर पर जुल्करनैन का किस्सा, तो बाज रिवायत के मुताबिक दूसरा सवाल जो है मूसा अलैहिस्सलाम वो हिजर अलैहिस्सलाम के बजाय रूह के मुताबिक था, लेकिन रूह का हम पढ़ चुके जो सूरह बनी इसराइल में जो आयत हम पढ़ चुके तो उन्होंने रूह के बारे में सवाल किया था, तो यहाँ पर ये 3 बातें उन्होंने पूछी, अल्लाह ताला ने इन तीनों सवालों का जवाब ही नाजिल नहीं फरमाया बल्कि ऐसे उमूर की भी साथ साथ वजाहत कर दी जो इंसानी हिदायत के लिए नहायत जरूरी हैं, जैसे कि कुरान के अंदाज बयान का खासा ये है कि इन किस्सों को इस अंदाज से बयान किया जाए कि जो बहुत हद तक कुरैश मक्का के हालात से मुताबिकत रखते थे। हमें यहाँ अभी ये पता चलेगा कि जो कहफ के माने क्या है, किसी पहाड़ की इस कोह के हैं जिसमें जो है ऐसी इतनी जगह होती ना, इतनी खुली कुशादा जगह
बहुत ज्यादा खुली भी नहीं और इतनी तंग भी नहीं होती, उससे उसे गार कहते हैं। और यहाँ पर जो रकीम है, रकीम के माने रिटर्न, मरकूम, लिखी हुई चीज, यानी असहाबे कहफ एकदम मुआशरे से गायब हो गए थे, और बहुत तलाश करने के बावजूद भी नहीं पता चल सका था, तो उनके बारे में जो है कलमबंद किया गया था कि ये इतने लोग हैं जो फरार हैं करके। तो ये रिटर्न जो रकीम वहां पर लफ्ज है, और इतने सालों के बाद भी वो मिले नहीं थे। जब लोगों को उनका पता चल गया तो उनका चर्चा आम हुआ, और ये लोग दोबारा इस घर में दाखिल हो गए तो लोगों ने उनके नाम पर और नाम और पते वगैरह लिखकर बाहर से जैसे खुतबा लगा दिया, एक रिटेन प्लेट ऐसी लगा दी उनके बारे में। गार वालों का किस्सा चूंकि बास बादल मौत पर एक वाजे दलील थी, यानी ये किस्से का आगाज ही इस जुमले से किया गया, तो क्या आप ये समझते हैं कि किस्सा अल्लाह ताला की हैरान कुल निशानियों में से एक बड़ी अहम निशानी थी, जबकि हकीकत यह कि अल्लाह ताला की दूसरी निशानियां इस वाक्य से बहुत ज्यादा हैरान कुल है। वो पहले तो देख चुके थे ना उजैर अलैहिस्सलाम कैसे 100 साल सोए रहे, और फिर अल्लाह ने उन्हें मौत दी, फिर जिंदा किया। लेकिन जो कायनात में अल्लाह की निशानियां तो कितनी सारी बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो कुछ पहले तहकीक कर चुका उसके मुकाबले में ये जो यकीन नहीं करते ना मौत के बाद उठाए जाएंगे, उसके लिए ये जो है बहुत ही आसान और हकीर चीज है अल्लाह का मरने के बाद उठाना। वो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने वो बात बताई है। और जो असहाबे कहफ जो थे, ये 7 नौजवान थे, तौहीद परस्त थे, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनके मुआशरे में हर सू शिर्क और बुत परस्ती का दौर था, यानी लोगों ने ईसाइयत कबूल नहीं की थी, बहुत चंद थे जिन्होंने कबूल की थी, और फिर इतना उसके खिलाफ थे कि ईसा अलैहि सलाम को तो सूली पर ही चढ़ा दिया था। ये 249 से लेके 251 तक ईस्वी तक का ये जिक्र है इन लोगों का। इसका अहद जो है बहुत ही बदनाम था, जो उस वक्त का बादशाह था दकियानूस, उसका उन अयाम में ईसाइयों का अकीदा जो था वो 4थी सदी ईस्वी में राइज हुआ। इन अयाम में ईसाई तौहीद परस्त जो थे, इन नौजवानों ने जब देखा कि तौहीद परस्तों पर कितनी सख्तियां आ रही हैं और किस तरह से उन पर जुल्म और सितम हो रहा है, तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए ये मुनासिब समझा कि कहीं रूपोश हो जाएं, छुप जाएं। इस तरह से उन्होंने एक पहाड़ की एक खुली गार में वो लोग रूपोश हो गए, छुप गए, और इस बात पे इत्तेफाक कर लिया कि अब घर बार छोड़ना ही मुनासिब है, गार में पना लेना ही अपने लिए बेहतर है। और उन्होंने उस वक्त ऐसे सोचा था कि हम बारी बारी जाएंगे, देखेंगे कि क्या हाल हो रहा है शहर में, और उस फिर हम निकल आएंगे। लेकिन जब वो उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला से जब दुआ मांगी कि अल्लाह ताला क्या दुआ मांगी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ऐ हमारे परवरदिगार अपनी जनाब से हमें रहमत अता फरमा और इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमा, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन्हें और यहाँ पर सुला दिया। और फिर हमने ये जो दुआ की कबूलियत, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन लोगों को नींद ऐसी दी कि इस नीयत से वो सोए थे कि हम उठेंगे ना, लेकिन जो है अल्लाह ताला ने उन्हें सुला ही दिया तवील मुद्दत तक, सारा साल वो इसमें पढ़े सोते रहे। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, पढ़ो असफ़ा आगे। نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا और हम उनका बरहक किस्सा आप पर बयान करते हैं। बिला शुबा वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में ज्यादा किया था।
हमने उनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और जमीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और को माबूद पुकारे। अगर ऐसा किया तो हमने निहायत ही बड़ी गलत बात कही। यह है हमारी कौम जिसने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। उनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है? जबकि तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके और माबूदों से किनारा कश हो गए, तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। अल्लाह तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अपने दामन रहमत में लेकर सदियों तक उन पर नींद तारी कर दी। और जब जागे तो ये तौहीद और तौहीद परस्तों का दुश्मन बादशाह जो था दखियानूस मर कर चुका था, और जो मौजूदा बादशाह था उसने ईसाइयत का मजहब कबूल कर लिया था। इस बादशाह का नाम कैसर थ्वीट विसिस सानी बताया जाता है। इसके दौर में पूरी रोम में सल्तनत ने ईसाइयत का मजहब कबूल कर लिया था, लिहाजा अब तौहीद परस्तों पर कोई ऐसी सख्ती नहीं रही थी जो दखियानूस के जमाने में थी। ठीक, हम पढ़ें सबक। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا। और आप सूरज को देखेंगे कि जब तुलू होता है तो उनके गार से दाएं जानिब चला जाता है और जब गुरूब होता है तो उनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो गार के अंदर एक वसी जगह में है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे सो वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह कर दे फिर आप उसके लिए रहनुमाई करने वाला कोई दोस्त हरगिज नहीं पाएंगे। और आप उन्हें जागता हुआ ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते हैं और उनका कुत्ता गार की दहलीज पर अपने बाजू फैलाए हुए है। आप उन्हें झांक कर देखें तो जरूर भागते हुए उल्टे पांव फिर जाएं और आपको जरूर उनकी दहशत से भर दिया जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया आयत नंबर 17 में कि किस तरह से मतलब अल्लाह ने उनका इंतजाम किया ना कि उनके गार का जो मुंह था वो शुमाल की जानिब था और दूसरी तरफ कुछ छोटे मोटे सुराख थे, लेकिन वो इतने तंग थे कि उनमें आदमी गुजर नहीं सकता था। इस तरह गार में हवा की आमद तरफ भी रहती थी और अक्सर सूरज की रोशनी जो है गाहे बगाहे धूप भी अंदर पहुंच जाती थी, लेकिन चूंकि इसका दाहना शुमाल की जानिब था लिहाजा धूप की शिद्दत और तमाजत से ये लोग बिल्कुल महफूज थे। सांस लेने के लिए जिस कदर ताजा हवा या ऑक्सीजन की जरूरत थी वो भी उन्हें मुयस्सर थी, और सेहत के लिए जितनी धूप जरूरी थी वो भी छोटे छोटे सुराख से अंदर पहुंच रही थी। यानी अल्लाह ताला का इन तौहीद परस्तों को ऐसी गार की जानिब रहनुमाई कर देना, फिर उन्हें सदियों तक सुलाए रखना, ये बातें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला से ताल्लुक रखती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें राह हिदायत पर साबित कदम रखा। बिलाशुबा जो शख्स राह हिदायत पर डट जाने का अजम कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए कोई राह पैदा फरमा देता है जिससे उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर जो उन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था ताहम उनकी आंखें खुली रहती थी जिससे देखने वाले को शुबा पड़ता कि वो जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं है। फिर गार के दहाने पर उनका मुहाफिज कुत्ता भी ऐसे बैठा था जैसे जागने की हालत में कुत्ते बैठते हैं, इसकी आंखें भी खुली थी और उधर से किसी का गुजर होता तो ऐसे मालूम होता था कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे बैठे और ये कुत्ता इनकी रखवाली कर रहा है। अगर कोई उनके नजदीक गया तो ये कुत्ता फाड़ खाएगा और काटने को आएगा, उसकी आवाज से इसका मालिक खबरदार होकर मुमकिन है हमला कर दे। गोया ऐसा वहशतनाक मंजर और तस्वुर था कि वहां कोई नजदीक जाने की जुरात भी नहीं करता था। और नींद के इस तवील अरसे के दौरान उनकी कैफियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक आम हालत में इंसान के सोने की होती है, क्योंकि हसब जरूरत अल्लाह ताला जो है जिस नींद की हालत में ना दाएं बाएं इस तरह से करवट भी बदलता रहता था।
بالظبط. ما بدي بدي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ पूछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, कितनी देर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। वो बोले कि तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है कि तुम कितनी देर रहे हो। चुनांचा अपने में से किसी एक को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजे, बस चाहिए कि वो देखे कि ज्यादा साफ सुथरा खाना कहाँ है, फिर उसी में से कुछ तुम्हारे खाने को लाए और वो नरमी और बारीक बनी की कोशिश करे और तुम्हारे मुतालिक किसी को हरगिज ना मालूम होने दे। यकीनन अगर वो तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने ही दीन में वापस ले जाएंगे और तब तुम कभी फलाह न पा सकोगे। और इसी तरह हमने उन पर लोगों को मतला कर दिया ताकि लोग जान ले कि बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और बेशक कयामत में कोई शक नहीं। जब लोग आपस में उनके मामले में झगड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब ही उनके मुतालिक बेहतर जानता है। जो लोग उनके मामले पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम उन पर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में कुछ सवाल जवाब करें, यानी जो तवील नींद में वो सोए थे तो अल्लाह तआला ने उन्हें बेदार किया, जगाया, और उन्हें क्या हुआ खाने की फिक्र लाहक हुई। जिस तरह हमने मुश्किल वक्त में उन पर एक तवील अरसे के लिए नींद तारी की थी, इसी तरह जब हालात उनके हक में साजगार हुए, यानी बाहर जो थे सब सही हो गए ना अकीदा, तो उन्हें जगाया। और सबसे पहला सवाल जो उनके सहन में आया था कि हम कितना अरसा सोए, उन्होंने इस अरसे को आम हालत पर कियास किया कि शायद इंसान पर कितना ही थका मांदा हो, एक दिन से तो ज्यादा सो ही नहीं सकता, और आम हालात में यही कोई 8-9 घंटे सो लेता। लिहाजा किसी ने कहा हम दिन भर सोए रहे और किसी ने कहा इतना कब सोए हैं, बस कोई चंद घंटे ही सोए। इनमें से एक ने कहा कि आखिरी आखिरी इस बहस का कोई फायदा भी नहीं, हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि हम इस मुद्दत का तयन कर सकें, ये बात तो अल्लाह ही जानता है। और अब जो करने का काम है वो ये है कि हमें भूख लगी है, भूख सता रही है, लिहाजा खाना लाने के लिए किसी को शहर भेजो जो किसी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखने वाली दुकान से खाना लाए, और जो शख्स भी शहर जाए वो भेष बदल कर जाए, यानी पहचाना ना जाए ना, चूंकि वो फरार थे इस वजह से वो सोच रहे थे कि सिक्के के बदले जो कुछ भी मिले, जो भी उनके पास उस वक्त पैसे थे वो उन्होंने दिए कि जो मिलेगा बस ले आओ, जो भी मिलेगा खा लेंगे, और कुछ देखो वहां पर किसी से झगड़ा नहीं करना, मतलब एकदम अच्छी तरह से बात करना, नरमी से पेश आना। यहाँ पर ये जो लफ्ज है वल यतलतफ जो है नरमी के लिए, यहाँ पे कहते हैं कि जो कुरान मजीद के जो हर्फ है ना टोटल, वो यहाँ पर बिल्कुल आधे आधे हैं, आधे हो चुके हैं, आधा कुरान जैसे जितने भी हर्फ हैं उसमें से आधा कुरान हो चुका है। कुरान का जो दरमियानी लफ्ज है वल यतलतफ, और उसके माने क्या है, नरम रवैया इख्तियार करना है। अल्लाह ताला ने कहा कि नरमी से पेश आओ। किसी से कोई मतलब कोई बात बढ़ाओ मत, अगर कुछ हो तो जैसा खामोशी से ले आओ खाना, अगर किसी को अपने बारे में पता चल जाएगा तो फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और नहीं तो हमको फिर वही पहले की तरह बुत परस्ती पे वो लोग मजबूर कर देंगे, ये सोचा उन्होंने। और उसके बाद जब वो खाना लाने वाला शहर पहुंचा तो वो क्या देखा कि बिल्कुल दुनिया ही बदल गई, लोगों के जो तहजीब व तमद्दुन, लिबास, वजा कता सब भी, बहुत बड़ा फर्क उसने देखा।
और लोगों ने जब इस नौजवान को देखा तो सब उसकी तरफ देखे, वो कुछ अलग ही लग रहा होगा ना उन लोगों को, इतने साल सोया रहा तो वो इससे गुरेज करता रहा। फिर जब उसने खाना खरीदने के लिए अपना पैसा जो उनको दिया, सिक्का जो था उसके पास, तो सब ये उसको देखने लगे कि भाई ये कब का है। जो उसके पास कॉइन था वो बोलने लगे कि ये कब कब का है, कौन से जमाने का, क्या तुम्हें कहीं कोई खजाना मिला है क्या। तो इस शख्स को पुराने जमाने का फिर कोई दफीना मिल गया, ऐसे उन लोगों ने सोचे और उस पर शक किया। और फिर उसे पकड़कर हुकाम को, जो बाला हुकाम में बाला जो थे उनको ही दे दिया, कि जैसे पुलिस को पकड़ा दिया कि इस नौजवान के बारे में मालूम करो, शायद इससे कोई वो मिला है खजाना। अब तो फिर उसको सभी तफसील बयान करनी पड़ी, पूरा मामला खिला खुला। तो वही जो पीरवाने मसीह हैं, जो कई सदियों बेशतर एकदम रूपोश हो गए थे, तो उनका रिकॉर्ड अब तक सरकारी दफ्तरों में मुंतकिल होता चला आ रहा था। तो ये खबर आनन फानन जो है पूरे आबादी में फैल गई, और जिस बात से वो लोग बच रहे थे, अल्लाह ने सब लोगों को उनके हाल से बाखबर कर दिया। बस फर्क ये था कि जब वो मफरूर और रूपोश हुए थे, उस वक्त मुआशरा और हुकूमत के मुजरिम थे, लेकिन इस वक्त वो सबकी नजरों में अपने ईमान पर साबित कदम रहने वाले और बहुत ही मोहतरम बंदे थे। बेशक अल्लाह ने तो मुतल्ला कर दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत बपा होने में कोई शक नहीं है। यानी इन दिनों अगरचे सरकारी मजहब इस था, और ईसाई जो है कयामत और रोजे आखिरत के तो कायल होते हैं, तहम रोजे कयामत के मुतालिक अजीब अजीब किस्म के फलसफियाना हैं, उनमें भी कुछ बातें जो बेदीन किस्म के लोग तो क्या है, वो तो सिरे से बाज बादल मौत के ही मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो होगा ही नहीं, मरने के बाद कोई नहीं उठाया जाएगा। हर मजहब में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो फाही इनकार अमलन हो या कौलन। बाकी जो है बाज बादल मौत पर ईमान रखने वालों में ये इख्तिलाफ था कि ये रूहानी किस्म का होगा या जिस्मानी किस्म का। मनाजरे भी होते थे लेकिन कोई फैसला नहीं होने पाता था, तो बादशाह खुद चाहता था कि इसका जो इख्तिलाफ का कोई फैसला हो जाए। इन्हीं अयाम में नौजवानों की दरियाफ्त वाला मसला सबके सामने आ गया, जिससे जिस्मानी तौर पर बास बादल मौत, यानी मौत के बाद जिंदा होने का अकीदे का नाकाबिल इनकार सबूत फराहम कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि इस तरह से मैं मारता भी हूँ और इस तरह से जिंदा भी करता हूँ। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उस पर एक इमारत लोगों ने सजेस्ट किया कि एक इतने नामवर हैं, यहाँ पर एक इमारत बना देना चाहिए, यानी बतौर यादगार जैसे मस्जिद तामीर करनी चाहिए। तो सब लोगों ने तो उन लोगों को औलिया औलिया अल्लाह समझने लगे, और फिर वो सब जा जाकर गार में उनसे मुलाकातें की, और लोगों ने गार से निकलकर लोगों को जैसे अलैक सलाम अलैक वगैरह की। अब ये तफसील तो काफी किसी में है और किसी कई मुफस्सरीन को इसका इल्म नहीं है, लेकिन राजे कौल ये ही मालूम होता है कि खाना लाने वाला भी वापस गार में चला गया, और वो फिर पहले की तरह लेट गए, और वहीं उनकी रूहें जो है परवास कर गई। लोगों ने ये ख्याल किया कि ये सब मुकद्दस हस्तियां थी, लिहाजा इस गार पर कोई यादगार इमारत तामीर कर देना चाहिए। तो इस बात पर फिर इख्तलाफ हुआ कि यादगार तामीर किस किस्म की हो। फिर जो लोग बासर और साहिब रसूख थे उनकी राय ही गालिबा, और वो राय ये थी कि इस गार के पास एक मस्जिद या इबादत खाना के तौर पर बना दिया जाए, जिसे बादशाह लोगों ने खुद बनाने का जिम्मा लिया। इस तरह असाबे कहफ को औलिया अल्लाह की और उनकी गार को आस्थाने, उनके मकबरे की हैसियत हासिल हो गई, और आस्थानों और खानकाहों और मजारों वगैरह के करीब या इन पर मस्जिद बनाना, किसी मस्जिद में किसी को वली अल्लाह समझकर इसकी कब्र बना देना, ऐसे काम है जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया। और वजह यह कि ऐसे कामों से शिर्क की बहुत सी राहें खुलती हैं, जैसा कि हम खुद देख चुके हैं कि किस तरह से ऐसी राहें खुलती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि बाज़ अज़वाजे मुतहररात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, फिर उन्होंने हबशा में मारिया नामी एक कनीसा यहूदियों की इबादत का देखा है, जिसमें जो मुजस्मे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब लोगों में से कोई सालेह मर्द मर जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक हैं। ये मुस्लिम की है और इसी हदीस को इमाम बुखारी ने यूं जिक्र किया है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गर्जे का जिक्र किया जिसे उन्होंने मुल्क हबश में देखा था और उसमें मूर्तियां थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का कायदा ये था कि जब उनमें से कोई सालेह आदमी मर जाता तो उसी कब्र पर सिजदागाह बना लेते थे, और जो है कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये लोग सब मखलूक से बदतर होंगे। और ये जो है आयशा रज़ियल्लाहु और सैयदना अबने अब्बास रज़ियल्लाहु दोनों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी आन पड़ी और वफात के अलामत जाहिर हुई तो आप अपनी चादर से अपना मुंह ढांप लेते और जब बेजारी बढ़ती तो उसे चेहरे से हटाते और यूं फरमाते अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद सिजदा गाहें बना लिया। इस कॉल से आप हमें इस बुरे काम से डराते थे जो यहूदी नसारा ने किया था। ये बुखारी की हदीस है। और कहते सुन लो, तुमसे पहले लोगों ने अपने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को सिजदागाह बना लिया, खबरदार तुम कब्रों को सिजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम रुए जमीन नमाज के काबिल है सिवाय कब्रस्तान और हमाम के। ये तिर्मिजी की हदीस है। और ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी कब्र को ईद या उर्स या मेरा ना बनाना, जहाँ कहीं तुम हो वहीं से दुरूद पढ़ लिया करो, तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचा दिया जाता है। ये निसाई की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी फरमाई कि या अल्लाह मेरी कब्र को आस्ताना ना बना देना कि लोग आकर पूजा करने लगे, ये मालिक में है। इन सब अहादीस से ये वाजे होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मकबरा मजार ये रोजा आस्थाने वगैरह जो होते हैं इसको मुकद्दस जगह समझकर लोग जमा होते हैं, उर्स या मेला लगाते हैं, तो ये इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं करते, वहां जाते हैं ये धागे बांधते हैं, अपनी मन्नत मुरादे पूरी होंगी तो हम ऐसे करेंगे, उसके उसकी वादे करते हैं वहां पर, और वहां पर चिरागा करते हैं और गिलाफ चढ़ाते हैं, सजदे करते हैं वहां पर, यहाँ तक कि तवाफ भी करते हैं। जैसे कोई दरगाह है तो उसके गोल घूमते हैं, तवाफ करते हैं, तो क्या क्या कुछ नहीं करते अल्लाह अकबर। यही वजह है जिनकी बिना पर कब्रस्तान में नमाज को भी ममनू और मजारात और आस्थानों की तामीर को हराम करार दिया है। और आजकल तो कहते हैं बाज मजारात पर उर्स की बजाय हज के पूरे मनासिक भी अदा करते हैं और इसे हज ही का नाम देते हैं। यानी ऐसी ही भी जगहें हैं। अल्लाह पर अल्लाह पनाह में रखे अब सर सब लोगों की इस चीज से बहुत ही हिफाजत फरमाए। आमीन। हाँ पढ़े सुन। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا। जल्द ही कुछ लोग कहेंगे कि अस्हाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीरे चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 है और आठवां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप उनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछ बूछ भी ना करें। इन अस्हाबे कहफ की तादाद कितनी थी? बिल्कुल ये है सही के कितने ही लोग कितने ही सवाल किया करते थे, वो कितने थे, क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके बारे में किसी से पूछिए मत कुछ और इस बहस में मत पड़िए। यानी एक बहस जैसे जो छिड़ी हुई थी ना कि कितनी है उनकी तादाद। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैं इन कलील लोगों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो असाबे कहफ की सही तादाद जानते हैं और वो 7 थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 5 कहने वालों का जिक्र करने के बाद रजमन बिल गैब का लफ्ज फरमाया मगर 7 कहने वालों को इससे मुस्तस्ना रखा। बाज़ उलमा ने और भी कई वजूह से ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बिल वाकई 7 ही थे और आठवां उनका कुत्ता था।
مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس بحث میں دلچسپی لینے سے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ بات کسی اور سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کیا یہ فضول بات ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، وہ کتنے تھے، 7 تھے، 8 تھے، 5 تھے. تو اس طرح کی بیکار بحثوں کی ایک مثال یہ ہے کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو منع کیا تھا تو پھر وہ سوال کرتے تھے کہ کون سا درخت تھا، کیسا تھا، کیا نہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے جو فضول کے سوالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسی بیکار بحثوں میں پڑھنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب شیطانی راہیں ہیں جو کھل جاتی ہیں تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی. صفا آپ نے کون سی آیت پڑھی بیٹے، کہاں تک؟ 22 تک یہی پڑھی. ہاں پڑھیے آگے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيث يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. جی آنٹی، آپ ترجمہ کریں گے آنٹی؟ ہاں بیٹے ٹھیک ہے. جی، جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 23، نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے. اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. بے شک یہاں پر آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان یشاء اللہ، تو یہاں پر ہمیں انشاء اللہ کہنے کی ہدایت دی گئی، تاکید کی گئی ہے.
कि जब भी किसी से भी अगर कोई कुछ पूछे तो फौरन आपको नहीं करना है कि श्योर आई डू इट, है ना, कोई कुछ कहता है कि अच्छा आप ही करोगे, अच्छा मिलेंगे कल, तो हाँ इंशाल्लाह नहीं कहते, हाँ जरूर। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने यही कि आपकी तो जिंदगी का एक पल का भी आपको पता नहीं कि आप रहोगे कि नहीं, तो फिर आप कितने ऐसे इस तरह से कैसे कह सकते हो यकीन के साथ कि मैं करूंगी ये काम। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना, आपने भी तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, नहीं कहा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया उन्हें। यहाँ पर ये कुछ दो लोगों का जिक्र हो रहा है, वहां पर ये बात बताई गई है कि यहाँ पर आपको जो है इंशाल्लाह कहना चाहिए कि इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, यानी जब कुफारे मक्का ने आपसे असहाबे कहफ वगैरह के मुतालिक सवाल किया तो आपने उन्हें जवाब दिया ये उसी के बारे में है कि मैं कल इसका जवाब दूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने ही ऐसे उन्हें कहा कि मैं कल जवाब दूंगा। तो और आपका ख्याल ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनसे पूछ कर वो बता देंगे या अल्लाह ताला खुद कल तक जो है बजरिए वही मुतला कर देंगे, मगर कुछ इन दोनों में कोई बात भी ना हुई। फिर चंद दिन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम वो लोग आके पूछते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाजिल नहीं हुई तो आप जवाब ही नहीं दे सके। तो फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने जो कुछ भी आयतें दी उसके साथ ये कहा, हिदायत की कि किसी भी बात के लिए आप अपनी तरफ से कोई वादा मत कर दीजिए कि मैं कल बताऊंगा, कल ये काम कर दूंगा, ऐसा मत कहिए। साथ में आपको इल्ला माशाल्लाह जरूर कहा करें, यानी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो फला वक्त फला काम करूंगा। अगर कभी आप ये बात कहना भूल जाएं तो जिस वक्त भी याद आए उसी वक्त कह लिया करें। मतलब ये है कि हर काम अल्लाह की मशीयत के तहत ही होता है, लिहाजा इस बात को हर वक्त महफूज हमें रखना चाहिए। ये हिदायत इसलिए दी गई थी कि किसी को ये मालूम नहीं हो सकता कि वो कल तक बिल फला वक्त तक फला काम कर सकेगा या नहीं, या किसी को गैब का इल्म भी नहीं होता और ना कोई अपने जो भी जिस अफाल पे जो खुद मुख्तार है जो चाहे कर सकेगा। लिहाजा कोई शख्स को पूरे सबके दिल से जो है नेक नियति से भी सच्ची नियत से भी कोई वादा या करे मुस्तकबिल के मुतालिक बात करे तो उसे इंशाल्लाह जरूर कह लेना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या है पता है कि अगर हम इंशाल्लाह कहें और उस बात को करें, कई लोगों का ऐसा होता है कि वो एक तकिया कलाम जैसे बन जाता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ कुछ भी होगा तो हर बात पे इंशाल्लाह कहते हैं, तो फिर बाद में नौबत ही आती है वो इंशाल्लाह कहता है लेकिन वो काम करता ही नहीं। तो ऐसी बात होती है कि लोग कहते हैं कि भी तुम इंशाल्लाह मत कहो, और कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स भी जो बच्चों से कहा करते हैं ना, तो उनसे कहते हैं बच्चे कि नहीं आप इंशाल्लाह अगर बोले तो इसका मतलब ये काम नहीं होगा। तो ऐसी नौबत ना आने पाए, ऐसे गलत काम हम ना करें। जब भी अगर कहें किसी से कोई कुछ वादा करना है तो भी आप इंशाल्लाह भी कहें तो उसके बाद जरूर उसको पूरा करें। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं आगे की आयत में कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार इस मामले में सही तर्ज अमल की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यानी इस जुमले के भी कई मतलब हो सकते हैं, मतलब ये कि आइंदा कोई मौका ही ऐसा ना आए कि मैं इंशाल्लाह या माशाल्लाह कहना भूल जाऊं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला अस्हाबे कहफ से भी ज्यादा हैरान कुन तरीके से मेरी मदद फरमाए, जैसे कि गारे सूर के जो वाकया हुआ। तीसरा ये कि जिस काम के करने को आप कह रहे हैं आपको इल्म नहीं कि यही काम बेहतर है या कोई दूसरा काम इससे बेहतर है, लिहाजा अल्लाह पर तवक्कल करते हुए यूं कहा करो कि मेरा रब इस मामले में सही बात या सही तर्ज अमल की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। बेशक अल्लाह ताला हम सबको एक तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर अमल करें। आयत नंबर 25, वो नौजवान अपने गार में 300 साल ठहरे रहे और कुछ लोगों ने 9 साल ज्यादा शुमार किए। आयत नंबर 25, तो यहाँ पर असाबे कहफ जो थे शमसी महीने के हिसाब से देखे ना, सन के हिसाब से तो 300 साल होते हैं और कमरी महीना चूंकि 29 दिन का होता है तो उसके हिसाब से 309 साल। तो इस आयत में जो है ये इस लिहाज से अगर महीनों और दिनों की को छोड़ दिया जाए तो 300 शमसी साल और 309 कमरी साल। और यहाँ पर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी मुद्दत वो गार में ठहरे। अगर ये अल्लाह का कॉल होता तो अल्लाह ताला इस अगली आयत में यूं ना फरमाते कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो नौजवान अपने गार में 300 साल ठहरे रहे और कुछ लोगों ने 9 साल ज्यादा शुमार किए।
आप इनसे कहिए कि अल्लाह ही बेहतर जानता है जितनी मुद्दत वो ठहरे रहे। किसी को आसमान और जमीन की पोशीदा बातें मालूम है, वो क्या ही खूब देखने वाला और सुनने वाला है। इन चीजों का अल्लाह के सिवाय कोई कारसाज और मुंतजिम नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। बेशक यहाँ पर वही कारसाज और मुंतजिम नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। इन चीजों का अल्लाह के सिवा कोई कारसाज मुंतजिम नहीं, यानी अल्लाह को असहाबे कहफ की मुद्दत कयाम के सबसे ज्यादा सही इल्म इसलिए है कि इसने खुद ही तो उन्हें सुलाया था, फिर खुद ही जगाया था। तो ऐसा तसरुफ वो इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं कि वो किसी बात या वाकई के मुताबिक सही सही खबरें बता सके। बेशक आगे आयत नंबर 27, ए नबी, जो कुछ आपकी तरफ वही किया गया है आपके अपने परवरदिगार की किताब में से, वो उन्हें पढ़कर सुना दो। कोई उसके इरशादात को बदलने का मजाज नहीं। अगर कोई ऐसा काम करे तो आप अल्लाह के सिवा उसके लिए कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। यानी यहाँ पर कोई उसके इरशादात को बदलने का मजाज नहीं, यानी असहाबे कहफ का किस्सा जो खत्म होने के बाद अब खिताब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ताहम ये इरशाद इन सरदारान कुरैश को सुनाया जा रहा है जो आपसे कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर समझौता करना चाहते थे ना। वो ये कहते थे कि हम आपको बहुत सी बातें मान लेते हैं, आप क्या करें हमारी ये बातें मान लें। जिन आयात में हमारे माबूदों का जिक्र है ना, वो ना पढ़ा करें। इसी तरह हम सब बिरादरी में फूट पड़ने से बच सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके मुतालबे पर जवाब दिया कि इसके अहकाम और इशादात में किसी किस्म के रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। अगर ये मौका खास था, ताहम अल्फाज में जो है ये जिस दौर में भी और जो शख्स भी ऐसी हरकत करेगा इसके लिए यही रुकन है, हक को बातिल में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक आगे आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अपने आप को इन लोगों के साथ ही मुतमईन रखिए जो सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। आपकी आंखें उनसे हटने ना पाएं कि दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहने लगें, ना ही आप ऐसे शख्स की बातें मानिए जिसका दिल हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। वो अपनी ख्वाहिश पर चलता है और उसका मामला हद से बढ़ा हुआ है। यानी ये सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले जो अल्लाह की रजा चाहने वाले लोग जो हैं, सैयदना जैसे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना सुहेब रजी अल्लाह अन्हु रूमी, सैयदना कबाब रजी अल्लाह अन्हु बिन अलारत, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना अम्मार बिन यासर थे रजी अल्लाह अन्हु, जो सबके सब गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। तो इनमें से अक्सर सरदार ने कुरैश क्या करते थे कि ये सब उनके उन्हीं के गुलाम थे जो आजाद करदा थे। तो अक्सर औकात आपकी सोहबत में रहा करते थे यही लोग। और जो बड़ी ऊंची नाक के कुरैशी थे सरदार, वो क्या चाहते थे जसलन एनिया बिन बदर और यकुरा बिन हाबिस, वो चाहते थे कि ये सब गरीब फकीर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे ना, यहाँ से हटे तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बैठे बात करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तभी ऐसे सोचते थे कि मैं इनसे बात करूँ इन सरदारों से तो हो सकता है ये ईमान ले आए, और ये अगर ईमान ले आए तो फिर इनके जो अंडर में जो भी लोग हैं वो भी सब ईमान ले आएंगे। तो ऐसे उनके दिल में ख्याल आया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती से मना कर दिया कि जो तुम्हारे दिल में ख्याल आया है इसको निकालो, और ये जो गरीब और मुखलिस मोमिन है इन्हीं के साथ आप वापिस करें। यही लोग जो है इनकी सरमाया है, और ये जो बड़े सरदार हैं कुरैश, ये इनकी ठाट बाट की तरफ मत देखना, ये बिल्कुल ईमान लाने वाले नहीं है। और आगे फरमाए वो अपनी ख्वाहिश पर चलता है, उसका मामला हद से बड़ा हुआ है। यानी ये शख्स जो आखिरत में अल्लाह के सामने जवाबदेही पर ही ईमान नहीं रखते, तो वो इस तरह अपना जाती मफाद देखते हैं, जहां देखता है वहीं पे झुक जाते हैं। तो जो ऐसे लोगों का क्या भरोसा, ऐसे लोगों की बात हरगिज आप मत मानिए। आयत नंबर 29, नहीं आप उन्हें कहिए कि हक तो वो है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आ चुका, और जो चाहे उसे मान ले और जो चाहे उसका इनकार कर दे। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातीन उसे घेरे हुए हैं, और अगर वो पानी मांगे तो उन्हें पीने को जो पानी दिया जाएगा वो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म गर्म गर्मा
गरम और इनके चेहरे भून डालेगा। कितना बुरा है ये मशरूब और कैसी बुरी आराम गाह है। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो हक कुरान आया है, जो उसे मानना चाहता है उसे पूरा का पूरा मानना होगा, वरना ना माने तो जो नहीं मानता उसे समझ लेना चाहिए कि उसके लिए दोजख की आग तैयार है। और सरादिक के माने किसी खेमे की दीवारें हैं, या मुराद दोजख की चार दीवारें। जहन्नम के लिए चार दीवारें या आख्ता इसलिए किया जाएगा कि दोजखियों के लिए आग की हरारत में मजीद इजाफा हो और इस आग की हरारत बाहर ना जाने पाए, नीज ये बाहर वाली इस हरारत से जो है महफूज रहे। और जो महल का माना तांबा है, या कोई भी धात जो पिघली हुई हालत में हो, ये तेल का तलछट या लावा जो जमीन के अंदर शिद्दत हरारत से पिघली हुई धातों के मलबूबे की शक्ल में हो, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर दो बातें पाई जाती हैं, एक सुरखी माए होना, दूसरे शिद्दत हरारत। और दोजखियों को जो पानी पिलाया जाएगा इसमें दोनों खासियतें मौजूद होंगी। तो यहाँ पर ये कि उससे क्या होगा, उससे जो उनके चेहरे वो भून डालेगा। तो ये जो ड्रिंक उनको दी जाएगी, ये मशरूब कैसी बुरी है और कितना ही बुरा उनका ठिकाना है। अल्लाह हमें पनाह में रखे उससे। आगे की आयत में है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो यकीनन हम इसका अजर जाया नहीं करते जो अच्छे काम करता हो। यही लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहां वहां सोने के कंगनों से आराधना किए जाएंगे, एक बारीक रेशम और अदरस के सब्ज कपड़े पहनेंगे, वहां वहां ऊंची मसनदों पर तकिया लगाकर बैठेंगे। ये कैसा अच्छा बदल, कैसी ही अच्छी आरामदाह है। बेशक जो है ये जो जहन्नम के बाद जो जन्नत का जिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, सोने के कंगनों का जिक्र। इसलिए कि कदीम जमाने में जो दस्तूर था ना, बादशाह कंगन पहना करते थे, तो जन्नत वहां जो शान ठाट बाट होगी, वो लोगों को भी अल्लाह सुब्हान तआला ये रेशमी कपड़े, ऐसी ऊंची ऊंची मसनदें होंगी, और सोने और रेशमी जो कपड़ों का इस्तेमाल जो मर्दों के लिए यहाँ दुनिया में जायज नहीं है, वहां जन्नत में जायज होगा। बल्कि ऐसे जैसे इस दुनिया में शराब सब मर्दों औरतों पर हराम है, मगर जन्नत की शराब जो खालिस अहले जन्नत के लिए बेशबहा नेमत होगी। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 32 में, आप इनसे उन दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग अता किए थे और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई थी और उन दोनों के दरमियान काबिले काश्त जमीन बनाई थी। आयत नंबर 32। यानी यहाँ पर है ना, एक मालदार काफिर और एक गरीब मोमिन का मुवाजना किया गया है। और दरअसल तो ये कुरैशी सरदारों पर ही जैसा ये बैठता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था उन लोगों ने कि आप किसी वक्त इन मिस्कीनों को अपने मजालिस से उठा दें, है ना, अपने करीब जो बैठे हैं ये गरीब लोग, उनको हटाओ इत्मीनान से कि हम आपसे बात करें। तो इस मिसाल में जब जिन दो आदमियों का जिक्र किया, इनमें से एक काफिर जो मुशरिक था, आखिरत पर ईमान नहीं रखता था, और मालदार सब जो है वो साहिब जायदाद था जैसा कि कुरैशी सरदार थे, तो दूसरा तौहीद परस्त था, मोमिन था, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला था, लेकिन गरीब और मुफलिस था जैसा कि सहाबा कराम थे, जिनके मुताबिक कुरैशी सरदारों ने आपसे मुतालबा किया था ना कि इनको अपने पास से हटा दो। अब यही बात जो ये मिसाल, तो ये समझाने के तौर पर मिसाल बयान की गई है, यानी वो दो हकीकी भाई थे ऐसे बताए गए हैं यहाँ पर, कि बाप की तरफ से विरसा मिला था, एक जो दुनियादार था इसने विरसे से जायदाद खरीदी, फिर खूब मेहनत की तो दो बागों का मालिक बन गया, दूसरा जो था एक गरीब किस्म का इंसान जो इसे मालो दौलत से कुछ दिलचस्पी नहीं थी, इसे जो विरसा मिला वो भी इसने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और बास के नजदीक ये दो आदमी हमसाए थे और जिनकी पूरी तर्ज जिंदगी एक दूसरे से अक्सर मुख्तलिफ थी, जो भी सूरत यहाँ पर जो बताई गई है, हर एक ने अपने अपना अपना ख्याल जाहिर किया है कि ये जो शख्स काफिर और मुशरिक और दो बागों का मालिक था, इस आयत में उसके बागों की बहार का मंजर पेश किया गया है। इन दोनों के दरमियान ही हिस्से में खेती बाड़ी होती थी और गल्ला उगता था, और इर्द गिर्द जो है फलदार दरख्त थे, फिर बागों की चार दीवारी जो है खजूरों के दरख्तों की थी जिन पर अंगूर की बेलें चढ़ाई गई थी। इन दोनों बागों के दरमियान एक नहर भी जारी थी जो इन्हें सैराब करती और आपस में मिलाती थी। जमीन बहुत जरखेज और शादाब थी, लिहाजा फलदार दरख्त भी भरपूर फल लाते और गल्ला भी
खूब वाफिर मकदार में पैदा होता। वह इस शख्स को बैठने के लिए ठंडी छांव, पीने के लिए ठंडा पानी, खाने को बाफरात गल्ला, फल देखने को खुशनुमा मंजर, सब कुछ मौजूद था जिस पर वो फूला न समाता था। आयत नंबर 33 में फरमाया, दोनों बाग अपना फल पूरा लाए और बारावर होने में कोई कसर ना छोड़ी, और इनके बीचों बीच हमने नहर जारी कर दी थी। आयत 34, इन दरख्तों का फल मिलता रहा तो एक दिन वो गुफ्तगू के दौरान अपने साथी से कहने लगा, मैं तुझसे मालदार भी ज्यादा हूँ और इफरादी कुवत भी ज्यादा रखता हूँ। आयत 35, यही कहते कहते वो अपने बाग में दाखिल हुआ, हालांकि वो अपने आप पर जुल्म कर रहा था और कहने लगा, मैं तो नहीं समझता कि ये बाग कभी उजड़ भी सकता है। आयत 36, और ना ही मैं ये गुमान करता हूँ कि कयामत कायम होगी, और अगर मुझे अपने रब के यहाँ पलटा कर ले जाया भी गया तो मैं यकीनन इससे बेहतर जगह पाऊंगा। 37, इसके साथी ने गुफ्तगू के दौरान उससे कहा, क्या तू इस जात का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से, फिर मिट्टी से पैदा किया, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया? रही मेरी बात, तो मेरा परवरदिगार तो अल्लाह ही है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। यहाँ पर आयत 35 में जो है वो जो वो मौहिद था, उसने एक दिन वो अपने बाग के पास खड़ा था कि इसके मुखलिस हमसाये का इधर से गुजर हुआ, तो उसने उस अपनी शेखी बगाड़ने बैठ गया और कहा कि जैसी जिंदगी तुम गुजार रहे हो बहरहाल मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ, मालदार भी हूँ, औलाद भी काफी है। और ये बातें कहते कहते वो अपने हमसाये के लिए अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा, मैंने जो है इस बाग पर इतनी मेहनत की है और ऐसे इंतजाम मुकम्मल कर दिए कि कम अज कम मेरी जिंदगी में ये बाग गुजर नहीं सकता, और जिस कयामत की तुम बातें करते हो अव्वल तो मुझे इसका यकीन ही नहीं, और अगर कायम हुई भी तो जैसा कि तुम कहते हो ना, इस खुदा ने मुझ पर इस दुनिया में इतनी मेहरबानी और अपना फजल किया है, आखिर वो इस जिंदगी में मुझे क्यों फर्ज ना करेगा उस जिंदगी में आखिरत की। और कुरैशी सरदारों का भी यही नजरिया था, वो भी ऐसे ही बोलते थे कि हम अब इतने अच्छे हैं, हमारे पे अल्लाह ने इतना करम किया है तो आखिरत में क्यों नहीं करम करेगा। तो ये दरअसल दुनिया और लोगों के इस गलत नजरिए की तरदीद की गई है कि अगर उन्हें इस दुनिया में आसुदा हाली मुहैया है तो ये अल्लाह की उन पर खुशनुदी की दलील है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से सख्त आजमाइश में पड़े हुए। वो समझ रहे हैं कि हम बहुत अमीर, बहुत खुश, बहुत पैसा है, लेकिन ये अल्लाह की आजमाइश है कि आया वो इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं या नाफरमान बनकर रहते हैं। लेकिन वो क्या समझ रहे हैं कि जन्नत तो हमें मिल ही गई है दुनिया में, बिल्कुल, और वो भी यही सोच रहे हैं। और साथी ने गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा, क्या तू इस जात का इनकार करता है? जब साथी ने पूछा ना उससे कि क्या तू उस हस्ती का मुनकर है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे रखा है ये इसी की मेहरबानी है, अलबत्त वो रोजे आखिरत और अल्लाह के सामने जवाबदेही का मुनकर था जिसे अल्लाह के इनकार को मुतरादिफ या कुफ्र करार दिया गया, क्योंकि आखिरत में सजा और जजा का इनकार दरअसल अल्लाह की सिफत अदल का इनकार है। और ये समझ लेना कि मेरा माल और दौलत और शान शौकत मेरी अपनी ही काबिलियत का नतीजा है तो ये भी गलत है, किसी का अतिया नहीं और कोई मुझसे छीनने वाला नहीं, तो ये भी इस तरह की बातें करना भी बिल्कुल गलत है। हकीकतन अल्लाह की कई सिफात का इनकार है इन बातों में, और ऐसा शख्स अल्लाह को अपना मालिक को आका और फरमान रवा होने की हैसियत से नहीं मानता। बिल्कुल, आयत नंबर 38, कही मेरी बात, तो मेरा परवरदिगार तो अल्लाह ही है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता बेशक, यानी मैं तो उसी परवरदिगार को अपना मालिक आका और फरमान रवा समझता हूँ, वही मेरे और तुम्हारे सबके नफा और नुकसान का मालिक है, उसी की मशीयत के बगैर ना मेरी अपनी तकदीरें कुछ काम आ सकती हैं ना ही कोई दूसरा मेरी मदद या हिमायत कर सकता है बेशक। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो ये क्यों ना कहा माशाल्लाह इल्ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वही होता है जो चाहता है और अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी का कुछ जोर नहीं। भला देखो अगर मैं माल और औलाद में तुमसे कमतर हूँ
तो ऐन मुमकिन है कि मेरा परवरदिगार मुझे तेरे बाप से बेहतर बाप अदा कर दो, तेरे बाप पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो चटियल मैदान बनकर रह जाए, या उसका पानी गहरा चला जाए तो पानी निकाल भी ना सके। आखिर हुआ कि बाप के पके हुए फल को अजाब ने आ गिरा, और जो कुछ वो बाग पर खर्च कर चुका था जिस पर अपने दोनों हाथ मलता रह गया। वो बाग इन्हीं टट्टियों पर गिरा पड़ा था। अब वो कहने लगा, काश मैंने अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना किया होता। ये आयत नंबर 42 कंप्लीट हुई। चलो नेमत, हम थोड़ा सा ही बात भी उतर लेते हैं मुकम्मल। यानी जो नेमत के हुसूल पर दौरे शुक्राना माशाल्लाह कहना, वो जो साथी अपने मुशरिक साथी को समझाने लगा कि तुम्हें चाहिए तो था ये था कि जब तक तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे हो तो शेखियां बगाड़ने के बजाय अपने आप को मुझसे बेहतर साबित करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते कि सब कुछ अल्लाह की देन है, मगर तुमने मुझ पर अपनी बदतरी साबित करना शुरू कर दी। क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तुमसे मालो औलाद में कमतर हूँ तो अल्लाह मुझे तेरे बागों से बेहतर बाग अता फरमा दे? और ये भी ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे इस तकबर की सजा के तौर पर अल्लाह तेरे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे, इसे खाकिस्तर कर दे या इस नहर का पानी ही खुश कर दे, तो तुम्हारा ये हरा भरा बाग थोड़े ही अरसे में मुरझाकर वीरान हो जाए। और चुनाचे उसके मुंह से निकले हुए कलमात अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आए कि उसके मुंह से निकली हुई बात फौरन कबूल हो गई, और मुशरिक को उसके तकबर और गुरूर की सजा मिल के रही। जिन दरख्तों के फलों और अपने पैदावार को देखकर वो इतना खुश हो रहा था और कुफर के कलमे बके जा रहा था, उस सारे के सारे बाग पर कहर इलाही नाजिल हुआ जिसने उसे जमीन बोझ कर दिया। और सिर्फ मौजूदा तैयार फसल का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि जो कुछ उसने कर्ज किया था उस बाग के लिए सब का सब जाया और बर्बाद हो गया, और वो अस वक्त कफे अफसोस मलता रह गया। काश मैंने अपने परवरदिगार को हकीकी मानों में परवरदिगार और नफा और नुकसान का मालिक समझा होता तो ऐसा ना होता। इसके खड़े खड़े और आंखों से देखते इसके बाग पर आफत नाजिल हुई तो उस वक्त वो कुछ भी उसका बचाव ना कर सका, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और तब ये समझ आई कि हकीकतन हर चीज पर इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही को है। ये थी वो मिसालें जो कुरैश मक्का को समझाने के लिए पेश की गई, और उन्हें इस मिसाल में तंबीह ये है कि अगर इनके पास आज वो माल और दौलत है, इज्जत है, चौधराहट है, तो दूसरों को हकीर मत समझो। किसी भी वक्त उनके फिर ये जो है फख्र वो इस्तिकबार की वजह से उनसे ये नेमतें भी छीन सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला, जब चाहे तब छीन सकता है बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारी सूरह कहफ की आयत नंबर 42 तर्जुमे के साथ तफसीर भी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। दुआ के साथ खत्म करते हैं। सुभानअल्लाहिल्लाहि सुभानअल्लाहिल्लज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله تعالى هم جو كچھ پڑا تھا ہم سے جو کچھ غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ یہ سب پڑھنے میں بتانے میں تو معاف کرنے والے یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانا اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے لوگوں کے دلوں میں اتار دے اور سب کو ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنا ہم کو ہمارے گھر کے ہر فرد کو ہمارے سارے رشتے داروں کو پڑوسیوں کو دوستوں احباب کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے دے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں عمل کریں اپنی زندگی میں لائیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں کا حال انہیں جو کچھ ان کے لیے صحیح ہے ضرور عطا فرما جو صحیح نہیں ہے لوٹ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما حلال رزق دے
جن کی اولاد نا فرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا دیں، یا لوگ جو لوگ اپنے گھروں سے اتنے دور ان حاصل کرنے گئے ان کی حفاظت کرنا، ایمان عزت جان مال کی حفاظت کرنا اور انہیں کامیابی نصیب کرنا، ان کے ماں باپ کو خوشیاں دیں یا رب العالمین، جنہیں اولاد نے انہیں کو صالح اولاد عطا فرما، جو گزر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، دنیا میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو غیب سے ان کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ کر دے یا اللہ، ان پہ رحم فرما یا رب العالمین، ہمیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھ، کسی آزمائش میں یا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، ہم تمام پہ کرم فرما، آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین، رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ میرے مالک کی درجمن، ہم تمام کی نیک خواہشات نیک تمناؤں کو پورا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته my dear sisters, I thank you all for attending this session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all jazai khair. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے بیٹے، اتنا وقت دینے کے لیے، سننے کے لیے اور اٹینڈ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی جو بھی مشکلیں اللہ تعالیٰ دور کرے، جو بھی آپ کے مددگار ہیں اس سلسلے میں سب کو جزائے خیر عطا، پوری ہماری ٹیم کو بھی جزائے خیر دے، آمین سم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی، جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی فار دا بیوٹیفل آمین تفسیر آف سورہ الاسرا اینڈ سورہ الکہف، جزاکم اللہ خیرن کثیرا ایوری ون فار آمین جوائنگ. مے اللہ کیپ اس آل سٹیڈ فاسٹ آن دین، ان شاء اللہ وی ول سی یو آل ٹمارو ان شاء اللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا انجم، میں اللہ کی وہ یہ کی بات. یو اپنڈن جزاک السلام خیر علیکم ساتھ. ورحمۃ اللہ آمین. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.